पगला गई क्या? क्या कर रही सुबह सुबह? ऐसे कौन उठाता है? कब तक सोने का इरादा है? पानी भरना है कि नहीं? आधे घंटे में पानी चला जाएगा। अब जाओ जल्दी और पानी भरो। पानी चला गया ना तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ, आके खाना भी बनाना और चिंटू को भी स्कूल छोड़ना है। हटेगी अभी? अरे मेरा बेटा, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई, शाबाश, उठो उठो। बेटे के साथ प्यार और पति के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? ऐसा है ना, ज्यादा प्यार चाहिए ना तो स्वर्ग से अपनी अम्मा को बुला लो, मुझसे तो ना हो पाएगा। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, आते हुए ना हल्दी पाउडर ले आना, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा आज। चाय तो मिलेगी ना? नहीं मिलेगी। हेलो साहब, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी, सिस्टर के साथ गांव जा रही हूँ। अरे अरे, लेकिन सुनो तो सही मेरी बात। हेलो, अरे सुन, चल रहे चिंटू, कहाँ रे गया रे? अच्छा, ये लो आपका टिफिन, ले बेटा। अब तू जल्दी जल्दी जाके मोजे पहन, पापा आ रहे। और हाँ, ये बिजली का बिल आज ही भर देना, वरना बिजली कट जाएगी। हाँ तो कट जान दिया, तुम क्या बिजली गिराने के लिए कम हो? ये सब नाटक ना बंद करो और थोड़ा ना पैसे कमाने पे ध्यान दो। तुम्हारी ना इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी मैं, अब नहीं फंसने वाली हूँ। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ जल्दी से। देर होगी, बैठ जा फटाफट। सुनते हो, ये निकल गए? अरे अरे, आ रहा हूं मेरी जान, तुमसे मिले बिना कैसे जा सकता हूं? हाँ डार्लिंग, बोलो। तुम ना अपनी बॉस से ही शादी कर लो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना बना के रखा ना किचन में। कभी पति वाले काम भी कर लिया करो, और दाल चावल बनाना कौन सा बड़ा काम है? अरे नहीं बेबी, मैंने बर्तन भी साफ किए हैं। तुम ना करते तो मैं करती ही नहीं, है ना? मैं कल रात से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कोई ऑइंटमेंट या कोई स्प्रे मंगवाया तुमने? अरे स्प्रे है ना, गर्मी, लुक ये रहा स्प्रे, ये लो। जाओ, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, जा, कोई आएगा तो मैं उससे लगवा लूंगी। अरे नहीं बेबी, मैं लगाता हूँ ना, ये ला, इधर लगाना। बस बस बस, जाओ तुम ऑफिस जाओ, वरना मुझ पर इल्जाम डाल दोगे कि मेरी वजह से ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे तुम, ये दवाई लगाना और नहीं, ये सब ना मजबूरी है तुम्हारे लिए। जब तुमसे ये सब काम होते ही नहीं है तो करते क्यों तुम? हाँ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और सुनो, जिम की मेंबरशिप के पैसे भरने हैं, 75,000 रुपए लगेंगे, कैश पर 25% डिस्काउंट है, शाम को आते वक्त लेते आना। हेलो, कब आओगे? आज आप टिफिन लेकर भी नहीं गए थे, कुछ खाया? अरे आज आरटीओ जाना था, नहीं भूली गई। ओह, सावेर पे पहुंच गया मैं। अच्छा सावेर, अब सुनो ना, वहाँ बस स्टॉप के पास ना बड़े ही मजे के छोले मिलते हैं, प्लीज आते हुए ले आना। ओहो ठीक।
मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है कोई जल्दी नहीं है। ताली क्या? आजा आजा, तेरे पसंदीदा छोले आए हैं। अरे डॉक्टर ना, इनकी खुशबू सूंघते ही ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इतने से ही लेके आए ये? या तो ना अब तुम खा लो या मैं ही खा लूं। अरे यार, इतने प्यार से लाया हूँ, एक काम करना, इसे तू ही खा ले। देख यार, तू समझती नहीं है, इस बार काम नहीं चल रहा अच्छा मेरा। आरटीओ भी जाना है, कितने पैसे लग जाएंगे कुछ पता नहीं। बीबी और बच्चे के ऊपर पैसे खर्च करने में ना नानी मरती है तुम्हारी। अच्छा सुन, ये गलती के बदले मैं तेरे को एक सरप्राइज दूंगा। ये हुई ना बात? यार करता हूँ यार, तू ऐसा मत बोला। लिखा सुनो ना, आरटीओ के पास ना बड़े मजे के गुलाब जामुन मिलते हैं, प्लीज ले आओ ना। आपको पता है ना कितने दिन से मैंने मीठा भी नहीं खाया है, गुड़ खा के बोर हो गई हूँ। तू कहाँ आरटीओ के गुलाब जामुन के पीछे अटकी पड़ी है? इस बार तेरे लिए बड़ा एकदम फाड़ू सरप्राइज लाने वाला हूँ। एक जी बताओ ना, क्या लेके आने वाले हो? आपको पता है ना मीठा मेरी कमजोरी है। वो तो टेम आने में बताऊंगा, अभी मैं चल रहा हूँ, लेट हो रहा है। लेकिन कब तक आओगे? 6-7 तो बजी जाएगा ना यार, तू छोले फिनिश कर। बाय बाय। जल्दी आ बेटा, आज तेरे दोस्त का बर्थडे है ना, तू उसे ये दे देना और जल्दी घर वापस आना, जा जल्दी। ओके बाय मम्मी। बाय बाय, जल्दी आना, समझा? यही मेरा सरप्राइज है, यही सरप्राइज देने वाले थे मुझे। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले थे ना? अरे कब से ले भी आया मैं और संभाल के उसको रख भी दिया। अच्छा ये बताओ कब तक आ रहे हो? 5:30-6 तो बज जाएगी यार कम से कम। ठीक है।
सांप अंदर रुक जा अब अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ बैठे हम बातें कर रहे थे कि अचानक से जोर से धमाका हुआ कैसा धमाका मतलब कितने जोर का धमाका आप क्या बताऊँ आपको इतना जोर से धमाका था कि हम वहाँ बैठे बैठे थर्रा गए घर में कौन कौन है चिंटू ये है उनका बेटा दरअसल ये बर्थडे पार्टी के लिए बाहर गया था लेकिन इसकी माँ घर के अंदर थी रश्मि और कौन कौन और इसके पापा तो काम पे गए थे बंद क्या रिपोर्ट है सर एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है हमने पता किया सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है इसके घर में एक औरत थी ये उसी का बेटा है पापा काम पे गए थे अब तक लौटा नहीं कोई टेररिस्ट एंगल सर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड व्हाट अबाउट फॉरेंसिक टीम सर टीम आ चुकी है सर अंदर क्या पोजीशन सर बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजा है वो लोग बॉम्ब चेक कर रहे हैं सर ऐसा हो भी सकता है कि एक से ज्यादा बॉम्ब हो वी कांट टेक एनी चांसेस सर इनफैक्ट उन्हीं के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं एक बार अपडेट मिल जाए हमें विल गो एंड चेक इट पर्सनली सर क्या हो गया ये सब कैसे हो गया भगवान रश्मि चिंटू मम्मी का रश्मि मेरी बीवी अंदर है सर जो कुछ हुआ तो नहीं बोलिए ना सर रश्मि अंदर है देखिए आई एम सॉरी बट इस हादसे में आपकी पत्नी का देहांत हो गया सब ब्लास्ट साइट पे हमने सभी चीजों का अच्छी तरह से मुआयना किया और घर के दरवाजों और छत पर केक छितरा हुआ था आपको हमने दिखाया भी था हमें टेबल पे भी केक के पार्टिकल्स मिले लगता है कि केक उसी टेबल पे रखा गया था और महिला की लाश की जो हालत है उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो टेबल के काफी करीब होगी झुकी होगी या फिर केक काटती होगी जब वो बम फटा केक के टुकड़ों में अननेचुरल केमिकल पार्टिकल्स मिले लगता है बम उसी केक के अंदर छुपाया गया था केक बम केक में बम क्या कह रहे हैं आप घर में कोई पार्टी थी नहीं सर कोई पार्टी नहीं थी तो फिर घर में केक क्यों आया सर वो मुझे मेरे टेम्पो में मिला कोई पैसेंजर छोड़ गया शायद मैं इसलिए अपने साथ ले आया सर कि अगर कोई मांगेगा तो लौटा दूंगा और अपनी पत्नी से छुपा के मैंने सोफे के नीचे रख दिया सर रश्मि को मीठा बहुत पसंद था खाना खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता था बहुत बड़ी गलती हो गई सर इससे अच्छा तो मैं केक फेंक देता रश्मि देखो अशोक ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है सर इकलौता बेटा है मेरा छोटा है तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुम्हारे पड़ोसी से हमारी बात हो चुकी है वो लोग सब मिलके चिंटू का ख्याल रखेंगे ठीक है केक बॉम्ब सिलसिले में पुलिस जिस व्यक्ति पर निशाना साधे बैठी है वो इंदौर से उज्जैन तक बस चलाता था आखिर कितने सुरक्षित हैं हमारे यात्री क्या इस बम को किसी बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए बनाया गया था क्या ये कोई आतंकवादी वारदात है जिसके घटने से पहले ब्लास्ट हो गया मीडिया वाले भी कमाल करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म भी नहीं हुई और उन लोगों ने फैसला भी सुना दिया सर इस ब्लास्ट की प्राइमरी फॉरेंसिक रिपोर्ट महेंद्र बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है नमोनियम साइट्रेट ये क्या होता है सर एक केमिकल ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे इस सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब को बनाने में इस्तेमाल किया गया बाय द वे राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम ATS IPS 2008 batch. Sir. Please. Now, I am taking over this case. आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं इस तरह के डिवाइस के लिए इस तरह के एक्सप्लोजिव्स के लिए दो तरह के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं पहला डायनामाइट दूसरा PNT. डायनामाइट ज़्यादातर खदानों में इस्तेमाल किया जाता है और PNT इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है सर नमोनियम साइट्रेट का भी मिलना नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल होता है लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनीज
और केमिकल लैब में होता है, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज में भी इसका इस्तेमाल जब होता है तो बहुत सावधानी के साथ किया जाता है और सरकारी अफसरों की देखरेख में किया जाता है। अब देखना यह है कि इतने बड़े धमाके के लिए उतनी क्वांटिटी का किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को मिलना बहुत मुश्किल होता है। ब्लास्ट साइट से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप लोगों ने लिए हैं वो मुझे चाहिए। मिल जाएंगे सर। मुझे मिली रिपोर्ट के मुताबिक अशोक का ये कहना है कि उसकी बस में बॉम्ब किसी ने प्लांट किया था। अशोक जो कि रोजाना 5 बार इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर सवारियों को लाता ले जाता है, लेकिन उस दिन वो सिर्फ 3 बार गया। यहाँ ऑफ कोर्स हमारी जांच का दायरा थोड़ा कम हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन पैसेंजर्स जो उस रोज उस बस में चढ़े उतरे उन सबसे पूछताछ करें, उनकी प्रोफाइल तैयार करेंगे, पता लगाएंगे कि उन पैसेंजर्स में से तो कोई ऐसा नहीं था जिसने अशोक की बस में वो बॉम्ब प्लांट किया था जैसे अशोक गलती से अपने घर ले गया। मतलब सर आपको अशोक की बातों पर यकीन है? नो, वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना है, इट हैज टू बी परफेक्ट। इसलिए हमें छोटी से छोटी संभावना या प्रोबेबिलिटी को भी हमें खंगालना होगा। महेंद्र, अशोक ने अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया है कि घटना वाले दिन वो आरटीओ गया था। आप आरटीओ जाएंगे, वहां पता लगाएंगे कि अशोक की स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। सर, सर इतना याद तो नहीं है, लेकिन सावेर से 5 आदमी उतरे थे और उसी बस सीट पर जाके बैठे थे जो आप बता रहे थे। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। हेलो, सावेर पुलिस स्टेशन, मैं सब इंस्पेक्टर राजदीप सिंह बोल रहा हूँ। मुझे पूनम नगर बस स्टैंड के 15 मार्च की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी भेजिए। अच्छा, तो ये है वो 5। फोटो सर्कुलेट करो और सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। सर, बेवकूफ हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बारूद से ऐसे खेला जाता है कि संभल के काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, दिवाली आने वाली है, माल डिलीवरी करना है। चलो, एक बात बताइए, आप जब आए थे तो अपनी जांच में कितना एरिया कवर किया आपने? सर, हमने पूरा लिविंग रूम और अंदर का रूम कर लिया था। एक बार फिर से जांच शुरू करते हैं। सर, संभल। प्लीज, मुझे सब चीजों की फोटोग्राफ और वीडियोस चाहिए, समझे आप? जरूर। प्लीज, हाँ राजीव बोलो। सर, हमने अशोक की बस में ट्रेवल करने वाले सभी यात्रियों से बात की, किसी से कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी है जो सावेर में उतरा था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, नाम है आशीष कोतवाल। सर, मैंने क्या किया है? तुम रोजाना इंदौर से सावेर जाते हो? जी सर, मैं वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। एक बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का कितना इस्तेमाल होता है? बॉम्ब? सर, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सर, मैं फर्टिलाइजर्स का क्वालिटी कंट्रोल देखता हूँ, मेरा बॉम्ब से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे साथ किसका क्या रिश्ता नाता है वो हम पता कर ही लेंगे, समझ में आया? आप मेरे ऊपर गलत शक कर रहे हैं सर, बेबी बच्चों वाला हूँ सर, प्लीज। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजदीप सर, नजर रखो इस पे। जी सर। सर, सर मैंने आरटीओ में सभी से पूछताछ की और वहां का सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन उसमें अशोक कहीं दिखाई नहीं दिया सर, और आरटीओ में किसी ने भी अशोक को नहीं देखा सर। सर, वो एजेंट को मैंने पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे, वो मुझे बोला कि बाहर जाके बैठो, आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सर बाहर जाके टेम्पो में बैठ गया, मेरा वो नंबर आने से पहले आरटीओ साहब, बड़े साहब जो थे आरटीओ ऑफिस में, पहले ही उठ गए सर, मैं घर चला गया। ये सच है सर, ये मैंने ही उसे कहा था कि लाइन में ना लगे, लेकिन फोन पर। अब मुझे क्या पता सर कि वो कहां बैठकर वेट कर रहा था। मतलब अशोक आपके पास नहीं बैठा था? सर, मेरी गुमटी बहुत छोटी है, मेरे अलावा वहां किसी और के बैठने की जगह है नहीं, इसीलिए तो मैं अपना सारा काम बाहर से निपटा लेता हूं। तो आपको सच में ही नहीं पता कि अशोक पूरा टाइम था कहां? हां सर, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सर, मुझे तो साफ साफ लगता है कि अशोक ने ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बॉम्ब बनाया था और अपने घर में छुपा कर रखा था।
उसकी बीवी को ये सब कुछ पता नहीं था। बदकिस्मती से उसने नॉर्मल केक समझ के खोला होगा और ब्लास्ट हो गया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अशोक के दिए गए बयान के साथ कोई भी अग्री नहीं कर रहा है। अशोक के क्लीनर का कहना ये है कि तुमने अशोक को बस में से किसी का छोड़ा हुआ केक उठाते हुए देखा था। नहीं सर। ठीक से याद है? जी सर, अच्छे से याद है, नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, अशोक के मिनी बस में से किसी भी यात्री का कोई सामान नहीं छूटा था। तीसरा पॉइंट, अशोक ने बीच में एक बार आरटीओ के बारे में कहा और गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ चला गया था किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद सीधा ये केक बॉम्ब। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम एक बार के लिए मान भी लें कि अशोक ने सच में ही उस बॉम्ब को केक समझ के अपने मिनी बस में से घर लेके गया था, सर वो फ्रिज में रखता। केक को घर ले जाके सोफा, कुर्सी या दीवान के नीचे कौन रखता है सर? तो एक काम करो, अशोक के सारे SMS, सोशल मीडिया मैसेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, सर में दर्द हो रहा है? कम, मैं दबा देती हूँ। मनीषा, मैं ठीक हूँ। कम ऑन आदित्य, वैसे भी मेरी फिंगर्स में जादू है। मलिका, ये क्या कर रही है? रिलैक्स, यू विल फील बेटर। मैं मैरिड हूँ, क्या कर रही हो ये? ऐसी कौन सी हूर के पर लगे हैं तुम्हारी वाइफ में जिसके लिए तुम मुझे, मलिका को ठुकरा रहे हो? मलिका, प्लीज गो। फाइन। हेलो चंद्रिका, मुझे बैंक से मैसेज आया अभी, 90,000 रुपीज का कार्ड स्वाइप हुआ है। हाँ, मैंने स्वाइप किए। तुम घर आओ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आदि आदि आदि, I'm so happy। अरे तुमने 90,000 कहाँ खर्च कर दिए? वही तो सरप्राइज है। तुम्हें पता है, मैंने एक डॉक्टर को एडवांस दे दी। क्यों? अरे कहना कि मैंने वेट लॉस किया था ना, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए मैंने ना एडवांस दे दिए। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सब लोग उनके पास जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए, और मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। तुम भी खुश हो ना? दाल चुपचाप खा और हमें मुक्ति दे, हम भी इसको खिला पिला रहे जिसका बाप आतंकवादी है। नहीं, मेरे बाबा आतंकवादी नहीं थे। ए, सुन, खाना है तो खा वरना फाड़ में जा, समझा ना? चलिए जी, हमें और भी काम है। सर, अशोक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने अशोक के दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला कि वो रतलाम का रहने वाला है। उसने ITI से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी लिया है। और फिर बस ड्राइवर की नौकरी क्यों? सर, वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अशोक पहले इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से भी काम कर चुका है। किसके साथ? साहब, अशोक मेरा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिशियन था। इतनी सफाई से काम करता था कि साहब मैं क्या बताऊं आपको, गजब का कलाकार था वो। लेकिन पता नहीं एक दिन उससे अचानक क्या हुआ, वो आया और मुझे कहा कि अब मैं काम पर वापस नहीं आऊंगा। वजह बताई उसने? वो तो साहब बार बार उसे पूछने की कोशिश की मैंने कि हुआ क्या है ये तो बताओ, लेकिन साहब उसने जवाब नहीं दिया और बस अगले दिन से काम पर आना बंद कर दिया उसने। मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था सर, वो मेरी पत्नी की जिद थी। एक काम करना, आप ना बस चला लेना। ए, मैं और बस चलाऊंगा? हाँ। अरे लेकिन क्यों? वो मैंने ना तुम्हारी पत्रिका ज्योतिषी जी को दिखाई थी, वो बोल रहे थे तुम्हारा मंगल भारी है और जिसका मंगल भारी होता है ना उसको ये इलेक्ट्रिशियन के और आग के काम से दूर रहना चाहिए। मान जाओ ना बात को। अरे लेकिन मैं, तुम समझ? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, तुम्हें चिंटू की कसम। और अरे यार, ये कसम वसम मत दे यार, तू ऐसा मत कर यार मुझसे, यार से बोल ना तू। कितनी सच्चाई है वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तुम यहीं लॉकअप में रहोगे। सर एक रिक्वेस्ट, मेरा बेटा अकेला है, माँ की मौत के बाद कौन देख रहा होगा कुछ पता नहीं, एक बार मिलवा दीजिए उसे। हम कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द मिलवाने की। क्या लगता है आपको, सच बोल रहे हैं?
नाटक कर रहा है सर। सबसे पहले अशोक ने वायर्स और फ्यूज में महारत हासिल की, फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर कहीं से जाके उसने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है। सर कहीं अशोक किसी टेररिस्ट ग्रुप के स्लीपर सेल से तो बिलोंग नहीं करता? नहीं राजदीप, अगर ऐसा होता तो एटीएस के डेटाबेस में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसे इसका लिंक होता, जो कि नहीं है। ये जो भी है कोई आतंकी गिरोह है, नया है, शातिर है, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूरी, अब मेरा मुंह कौन मीठा कराएगा? ये देखो, अगर ये हार मिल जाता ना तो मैं तो पार्टी में छा जाती। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का अभी मुझे फिर से माँ और दीदी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। सॉरी सर, हम गोल्ड और डायमंड खरीदने पर कोई लोन नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल लोन ले लीजिए 18% रिड्यूसिंग रेट पर। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है और होम मिनिस्टर साहब भी इस केस की अपडेट जल्द से जल्द चाहते हैं। विल कीप यू पोस्टेड सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हमने लगभग सभी फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर लिया, सभी के पास नैमोनियम साइट्रेट सेफ है, सिक्योर्ड है। सर वो लड़का आशीष जिसे हम लोगों ने पकड़ा था, उसका बैकग्राउंड चेक किया, एकदम क्लीन लग रहा सर। और वो अशोक? सर ये अशोक तो बिल्कुल चुप है, इतना मारा पीटा धमकाया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, यही रट लगाया बैठा है। हमसे कहीं तो चूक हो रही है, इतना बड़ा कांड हो गया और हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लग रहा। एक काम करो, लास्ट साइज से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोज मिले हैं सब लेके आओ। सर ये ब्लास्ट साइट की फोटोज और वीडियोज हैं, फॉरेंसिक टीम ने अभी भेजी है सर। ये सब तो सर घरेलू सामान है, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं नहीं, पीछे करो, घर का कुछ भी सामान कचरा भी हो वो भी मुझे देखना। इसे जूम करो, ये क्या है? सर ये पॉलीबैग लग रहा है, मुझे लग रहा है सर ये किस पॉलीबैग की फोटो है सर। और इस टाइप के पॉली बैग्स अक्सर मिडिल क्लास की फैमिलीज की औरतें अपने घरों में संभाल कर रखती हैं सर, ताकि जरूरत पे काम आ सके। ये तो किसी हाई एंड केक शॉप का लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो केक इसी दुकान से मंगवाया गया था जिसमें बॉम्ब हो? अशोक को बुलाओ। राइट सर। जिस कैरी बैग में केक था वो ऐसा ही था? हाँ हाँ सर, ऐसा ही था। पता करो ये किस शॉप से खरीदा गया, इसमें कुछ मार्किंग्स हैं, निशान भी हैं, एड्रेस ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इंदौर लिखा है। ये पॉलीबैग आपकी दुकान की है? जी लगता तो है। क्यों? उसमें जो केक था उसमें बॉम्ब फिट किया गया था। क्या कह रहे हैं साहब, हमारे केक में बॉम्ब? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कैसे हुआ ये सब? हम तो बस यहाँ पर केक बनाते हैं, कई सालों से हम अपना ये केक शॉप चला रहे हैं। मुझे पिछले 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, दिखाइए। महेंद्र अंदर जाकर स्टाफ से बात करो और बेकिंग प्रोसेस अच्छे से चेक करो। राइट सर।
चेक कर लिया, सब कुछ क्लीन है। सर ब्लास्ट से पहले की सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए मैंने, बहुत लोग आए और गए लेकिन अशोक कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो राजदीप ये भी तो हो सकता है क्योंकि कई लोग UPI से पेमेंट करते हैं। एक काम करो, बिलिंग से वो एड्रेस निकालो और उन लोगों को चेक करो। और सुनो, उन लोगों को भी चेक करो जिन्होंने फूड ऐप से ऑर्डर किया हो। मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए जिसने वहां से केक खरीदा है, समझे? सर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बॉम्ब का मॉडल बनवाया। देखिए मैंने इसको दो वायर से इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। जैसे ही इसमें से हम ये वायर डिस्कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है वो पहले केक शॉप पे गया होगा, वहां से उसने ये केक खरीदा होगा। अब इसका बेस और इसका बेस देख रहे हैं आप ध्यान से, दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। केक खरीद के वो अपने घर ले गया होगा, जहां ले जाके उसने अपना केक इस बॉम्ब के ऊपर बिठाया होगा। अब जैसे ही केक काटने वाला केक कटिंग करेगा, ये दोनों वायर जो एक इम्प्रोवाइज डिवाइस से कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, तापमान इसका बढ़ जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है बहुत शातिर है वो। तेरा हाथ एकदम मौसम है। अगर मैं लड़का होती ना तो इसको लेके भाग जाती। अरे तो फिर मेरे हस्बैंड को क्या होता? आज वो खुशी में पी रहे हैं, फिर तुम्हारी गम में पीते। मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। चंद्रिका तुम कैसे जाने वाली हो? अब वो एक्चुअली क्या है ना, आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है और इसलिए इन्होंने कार ना थोड़ी दूर पार्क की, तो वहां तक पार्क करके चले जाएंगे। ओके ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय सी यार, लवली लवली पार्क की, सो मच फॉर कमिंग। तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार? तो क्या सच बोलकर अपनी बेइज्जती कराती? अब भैया तिलक नगर आप वही हो ना जो हम यहाँ पर लेकर आए थे? अपने यहाँ पे कोई हार देखा क्या? हीरो का हार था, बहुत महंगा था भैया, आपने देखा कोई हार यहाँ पर? चेक कर लो आप। कहीं दिखा क्या? हाँ नहीं है यार। नहीं है? हे भगवान, अब क्या करें? रूबी, रूबी सुनो। हाँ बच्चा हुआ? मेरा हार कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया। ओह माय गॉड, वो तो बहुत कॉस्टली था। मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया ना। अरे ऐसा नहीं है, देखो वैसे भी मैं सोच रहा था लोन लिया तो रीपे तो करना ही होगा, और अभी फेस्टिवल सीजन है, मैं ऑफिस में 3 शिफ्ट में काम कर लूंगा। ठीक है, कल से ना मैं कामवाली को भी आने से मना कर देती हूँ, और बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद, सारे ऐप से डिलीट कर देती हूँ मैं। तुम मैनेज कर पाओगी ऐसे? मैं नहीं कर सकती। इतने दिनों से तुम्हारे साथ मिडिल क्लास वाली लाइफ मैनेज कर रही हूं ना मैं। सॉरी यार। देखो अशोक, जल्दी तुम्हें छोड़ भी देंगे, तुम्हारे बेटे से भी तुम्हें जल्दी मिलवा देंगे, बस तुम ये बता दो कि तुमने बॉम्ब बनाया कैसे और बॉम्ब यहाँ आया कैसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे किसी बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता।
बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए, वो अकेला है, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, बेटे से मिलवा दीजिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, उस लॉकर में मेरी मरी माँ के गहने रखे हुए हैं, बंद क्यों करेंगे हम? वो तो आपकी वाइफ ने निकाल लिया। क्या चंद्रिका, क्यों बेचे वो गहने? तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए, और वैसे भी वो गहने तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे। वो हमारे खानदानी गहने थे। अरे किस काम के तुम्हारे खानदानी गहने? हाँ कोई बच्चा है हमारा जिसे हम पास ऑन करते? नहीं ना। सर हमने केक शॉप के सभी कस्टमर से बात की है, लगभग सभी क्लीन है, इस लिस्ट में सभी के नाम नंबर और पता है। राजीव मैं इन सबसे खुद मिलना चाहूंगा, जो शहर में है उनसे भी, जो शहर से बाहर है उनसे भी। राइट सर। अरे कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ के पास, उज्जैन। अच्छा अच्छा, वो जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा था चंद्रिका कि पता नहीं मुझे लगता है ना कि हमारे रिश्ते में ना एक कमी सी आ गई है। मैं मानता हूँ कि कमी शायद मुझ में ही है, लेकिन पता है अगर अगर आज हमारा एक बेबी होता ना तो सिचुएशन थोड़ी बेटर होती। मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर लें। मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगी, अपना होता तो बात कुछ और होती। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। तुम अपने पति से क्या बोल के निकलोगी? मैं अपने मम्मी का घर के बोल के निकलूंगी। कल दोपहर को मिलते हैं बाहर रिजोर्ट में मिलते हैं। ये अच्छा काम करेगा। मलिका, मलिका जी। जी। आपका नाम हमें केक माई डे शॉप से मिला। ओ, वहां तो मेरा साल में एक दो बार जाना होता ही है, कोई भी बड़ा ओकेजन हो तो। लेकिन उस केक शॉप का इस पूछताछ से क्या कनेक्शन है? ये बताइए जरा, आपने केक माई डे से केक इसी डेट पे खरीदा था? जी हाँ मैंने ही लिया था, बट इट वॉज अ सिंपल केक, उसके लिए मुझे यहाँ पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया? क्या मैं जान सकता हूँ वो केक किस ओकेजन के लिए खरीदा था आपने? They have come for investigation. देखिए इससे पहले हम कोई भी कार्रवाई करें, हम आपकी कंपनी के नमोनियम साइट्रेट के स्टॉक को चेक करना चाहते हैं। ओके सर। एक बार स्टोरकीपर से बात कराओ। हाँ एक बार चेक करके देखो कि सिस्टम में जो नमोनियम साइट्रेट की क्वांटिटी दिखा रहा है और एक्चुअल स्टॉक में जो है वो दोनों मैच कर रहा है क्या? व्हाट? ओके सर, एक्चुअली जो सिस्टम में हमारी क्वांटिटी दिखा रहा है और जो एक्चुअल है दोनों में डिफरेंसेस है। कौन है इंचार्ज? बहुत खेल खेल लिया आदित्य, तुम्हारा खेल खत्म। उज्जैन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें एक मासूम औरत की जान चली गई है, हम उसी केस के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, और तुम्हारे उस बॉम्ब बनाने वाले चाचा को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। चल अब सच सच बता, देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के पीछे तेरा मकसद क्या है? देश के खिलाफ नहीं सर, अपनी बीवी को उड़ाने के लिए बनाया था बॉम्ब मैंने, अब वो बचेगी नहीं। इसका मतलब तेरा वो चाचा जिस फाउंटेन वाले बॉम्ब की बात कर रहा था वो यही है? कहाँ है वो बॉम्ब? चंद्रिका के पास गई है ना अपने यार से मिलने, दोनों लड़क जाएंगे सर। अच्छा है, कहाँ गई वो? सॉरी सर वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इसको सर आदित्य का ये कहना है उसने अपनी बीवी को मारने के लिए एक और बॉम्ब प्लान किया है जो कि फाउंटेन की शक्ल में, और वो इस वक्त चंद्रिका के पास है सर। राइट सर? सर मैं कंट्रोल रूम के टच में हूँ सर। चंद्रिका फोन नहीं उठा रही है सर, लेकिन उसके फोन की लाइव लोकेशन मिल गई है सर। चंद्रिका खांडवा रोड पर आगे बढ़ रही है, ये देखिए। राजीव तुम एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी वाली रोड लेके आगे बढ़ो, मैं बाईपास वाली रोड लेके वहां पहुंचता हूँ। ओके सर। ड्राइवर गाड़ी जल्दी लो। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा
हे भगवान, इतने सारे मिस कॉल्स। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ चंद्रिका जी, मैं राकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड से। जी, घबराने की कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। आप मुझे बस ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं यहाँ मार्केट में हूँ। क्यों, क्या हुआ? चंद्रिका जी, आप मामले को समझ नहीं रही हैं। आपके पास जो पैकेट है उसमें बॉम्ब है। प्लीज आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं सिरपुर मार्केट में। सिरपुर, सिरपुर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, और जो पैकेट आपके पास है आप बिल्कुल नहीं छूना उसको। बस हमारा वेट करिए, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। अरे आप सब पीछे हट जाइए, यहाँ बॉम्ब है। हटो, हटो सब, हटो, हटो। मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया था सर, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, मेरे इमोशंस की उसको कदर नहीं थी। इसलिए मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए पूरा प्लान बनाया। जब वो फर्स्ट टाइम जा रही थी ना अपनी माँ के घर उज्जैन, तब मैंने केक में बॉम्ब डाल के उसे दिया था। मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुझे लगा था दोनों माँ बेटी मर जाएंगी, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रिका को उस दिन प्राइवेट टैक्सी मिली नहीं, और मैडम को बस में बैठने की आदत थी नहीं ना, अय्याशी की आदत थी। उसको बस में बैठ के उपकाई आ गई और केक वहीं पे छोड़ के चली आई। बस वही गाड़ी रुक। और उस केक से एक मासूम की जान चली गई। I'm really sorry for that, sir. लेकिन जब मुझे उस खबर का पता चला तो मुझे ऐसा लगा सर, शायद भगवान हमें एक और मौका देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि चंद्रिका मेरे साथ रहे। सर उसने इतना महंगा हार खो दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने मेरी मरी माँ के गहने बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुझे पता चला ना सर कि मेरे पीठ पीछे वो किसी और आदमी के साथ। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। फिर चला रही, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर, और किसी को भी नहीं होगा ना सर। ये अच्छा काम करेगा। जब इस बार मैंने प्लान बनाया ना उसे मारने का, तो आप लोगों ने उसे बचा लिया। तुझे अपने किए की पूरी सजा मिले। आई विल मेक श्योर। कैसा है तू? तेरा पापा आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी नहीं है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।